किसान सम्मान निधि के तहत 1,13,000 करोड़ एक एक गरीब किसान के खाते में पहुंचाया गया। 15 लाख का क्या हुआ? फसल नुकसान जो हुआ है किसानों का, पंद्रह लाख की बात करें तो मैं महाराष्ट्र की बात करूंगा, जो पिछले 3-4 दिनों में रिपोर्ट निकल रही है आपकी सरकार की। हाँ, मेरा मुंह मत खिलवाना, नहीं तो मैं शुरू हो जाऊंगा। ऑनरेबल मेंबर, 100 करोड़ रुपए ऑनरेबल मेंबर मंत्री के द्वारा लिया जा रहा है। माननीय सिंधिया जी, मेरा मुंह मत खुलवाना। माननीय सिंधिया जी, प्लीज प्लीज कराज जी, प्लीज सिट डाउन। आप 100 करोड़ जी, सिट डाउन। ऑनरेबल मेंबर्स, प्लीज सिट डाउन। सिंधिया जी, प्लीज एड्रेस द चेयर। सॉरी, मैंने कहा 100 करोड़, और वो तो केवल ऑनरेबल मेंबर एक शहर मुंबई का, बाकी प्रदेश का क्या हाल होगा? आप मेरा ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस, ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस, नहीं तो और मैं खोलूंगा अपना मुंह। प्लीज 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 टेक योर प्लेसेस, एक्सेप्टिंग द ऑनरेबल मेंबर, नथिंग गोज ऑन रिकॉर्ड। प्रियंका जी, प्रियंका जी, प्लीज वसूली कर रहे हैं गरीबों से, प्लीज रेस्टोरेंट वालों से, प्लीज एड्रेस द चेयर। 15 लाख की बात करते हैं। ऑनरेबल मेंबर, एड्रेस द चेयर प्लीज। सभापति महोदय, आज बात उठाई गई थी, गई थी सदन में पेट्रोल और डीजल के दाम। प्लीज प्लीज ऑनरेबल मेंबर, पेट्रोल और डीजल के दामों का बहुत मुद्दा उठा था। यह असलियत है कि दामे बढ़े हैं, पर यह असलियत भी है कि जो बढ़ोतरी हुई है उसका बंटवारा क्या हुआ है। लोगों के आंखों में धूल झोंकने की भी सीमा होती है। आज जो पेट्रोल और डीजल के दाम, जिसकी राशि मिलती है उसका अगर खर्चा आप निकालो, तो खर्चा निकालने के बाद 40% राज्य को मिलता है और 60% केंद्र को मिलता है। वित्त मंत्री जी यहां बैठी हुई हैं, अगर मेरे आंकड़ों में कोई गलती हो तो जरूर मुझे सही करें। 40% राज्य को मिलता है, 60% केंद्र को मिलता है, लेकिन जो 60% केंद्र को मिलता है उसमें से भी फाइनेंस कमीशन के नियम के अंतर्गत 42% दोबारा राज्य को जाता है। तो असलियत यह है कि राज्य को 40% नहीं मिलता सभापति महोदय, राज्य को उस राशि का 64% मिलता है और केंद्र को केवल 36%। और आज जो दुहाई दी जाती है पेट्रोल और डीजल के दाम का, क्यों नहीं विपक्ष अपने राज्यों में पेट्रोल और डीजल का दाम क्यों नहीं कम करते, अपने शहर का क्यों नहीं कम करते? महाराष्ट्र में तो सबसे बड़ा दाम है ऑनरेबल मेंबर, प्लीज ऑनरेबल मेंबर, प्लीज एड्रेस द चेयर। यहां सिंधिया जी, आप लोग प्लीज प्लीज टेक योर सीट। ऑनरेबल मेंबर, प्लीज टेक योर सीट। नहीं उठाते, और यही इतना कहना चाहता हूं, प्लीज एड्रेस द चेयर सिंधिया जी, प्लीज एड्रेस द चेयर। जिनके प्लीज 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 ऑनरेबल मेंबर्स, थैंक यू। सभापति महोदय, कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। सिद्धार्थ है, शायद अब परिचय की जरूरत नहीं है क्योंकि आप हमारे वीडियोस को काफ़ी पसंद कर रहे हैं। लेकिन आज एक सूचना थी जो आपको देनी थी। सूचना ये थी कि YouTube के और आप सभी के सहयोग से अब हमारे चैनल पर आपको एक बटन और देखने मिलेगा। पहले आपको सब्सक्राइब का बटन देखने मिलता था, अब उसके साथ आपको सब्सक्राइब के बिल्कुल बाजू में ज्वाइन लिखा हुआ मिलेगा। जैसे ही आप ज्वाइन पर क्लिक करेंगे तो आपको मेंबरशिप के ऑप्शन आएंगे। मेंबरशिप है सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। आप जो भी मेंबरशिप लेना चाहें आप ले सकते हैं। आपकी मेंबरशिप लेने से हमें प्रोत्साहन मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, और जिसके बाद हम आपको और भी बहुत कुछ दिखाना चाहेंगे जो हम लोग प्लानिंग्स कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम प्लानिंग कर रही है। हो सकता है आपको आगे जर्नलिज्म से जुड़े हुए वीडियो, न्यूज़, एंकरिंग और ये काफ़ी कुछ मिलेगा, शॉर्ट फिल्म मिलेंगी आपको हमारे चैनल पर। तो अगर आप हमें ज्वाइन करेंगे, अगर आप मेंबरशिप लेंगे तो हमें काफ़ी सहयोग होगा। दोस्तों, अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो फेसबुक में शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।